जय भगवान, मैं जब वीडियो में आपको बताऊँ पेशेंट को आप कैसा चेक कर सकते हैं तो क्या तकलीफ है, पहले सबसे पहले उसको सूर्य केंद्र का पॉइंट दीजिए, बाद में उसकी पेचोड़ी चेक करिए, धरण चेक करिए, उसके बाद गैस का पॉइंट दीजिए नीचे के ऊपर की तरफ, जैसा आपको मैं चित्र में बता रहा हूँ, स्लाइडिंग प्रेशर करिए 15 बार, तो उससे अब उसको पेशेंट को टिकलिंग होगी या गुदगुदी होगी, मतलब उसके बॉडी में गैस बड़ी है, वात है, इंडाइजेशन है, उसकी वजह से बहुत सी समस्या होती है, हेडेक होता है कभी, वॉमिटिंग होती है, इंडाइजेशन होता है, जॉइंट पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है, बैक पेन होता है, साइटिक होती है। तो पेशेंट को उसका सादा उपचार है, 2 चम्मच सूखे धनिए 1 कप कटोरे पानी रात को भिगो कर सुबह को मसल कर छान के एम्प्टी स्टोमक को पानी पीजिए 8-10 दिन, तो बॉडी में एसिड लेवल कम हो जाएगी, तो आपको जो इससे बहुत राहत मिलेगी। और गैस का पॉइंट देंगे ना 15 बार, तो पेशेंट को 50% रिलीफ भी हो जाएगा। दूसरा कि अपने बॉडी के पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हमें एसिडिक खाना 30% खाना चाहिए और अल्कलाइन 70%। पका हुआ खाना मतलब एसिडिक और कच्चा खाना मतलब अल्कलाइन। तो आप ऐसा करते रहेंगे पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, तो आपको जो गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आप ये करते रहिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जय भगवान।